देखिए इसके अंदर काम के अंदर कोई बुराई नहीं है बिल्कुल बढ़िया काम है बल्कि ये खुद करने वाला काम है अगर आप खुद करोगे आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा हम भारत देश के जुवाए हैं हम मेहनत करने से कभी कतराते नहीं है और हमारे को ही आगे इस देश को आगे बढ़ाना है नमस्कार भाइयों क्या चाल्स इंडियन फार्म रोवर के यूट्यूब चैनल पर मैं पारा साहब सही भाइयों का वेलकम करता हूं तो भाइयों आज मैं जयपुर आया हूं राजस्थान में गर्मी काफ़ी तेज़ है जुलाई चल रहा है और यहाँ पे एक युवा है तेईस साल का युवा है जो अपने फादर साहब का हाथ बटा रहे हैं बकरी पालन में जैसे कि त्यौहार भी नज़दीक है ईद आ रही है और भाइयों की डिमांड रहती है हमारी कि भाई गोट फार्मिंग की वीडियो आप लाते रहा करो रेगुलर छोड़ा मत क्या करो तो उसी सीरीज़ को मेंटेन करने के लिए वीडियो है आज की और गिंदर भाई हमारे साथ में हैं इनसे पूरी जानकारी लेंगे गोट फार्मिंग की इनकी राय लेंगे तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के, के पीछे मिलवाता हूँ आपको गिंदर भाई से जानेंगे इनके बकरी पालन के मॉडल के बारे में नमस्कार भैया नमस्कार जी बहुत बहुत, बहुत वेलकम है आज हमारे चैनल पे आपका, आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी उम्र के बारे में बताइए जी मेरा नाम है गिंदर सिंह और मेरी उम्र है तेईस साल तेईस साल के हैं आप तो जी बकरा पालन कब से जुड़े हुए हैं बकरा पालन तो हमारा करीब करीब दस साल से शुरू हो चुका था अच्छा अभी मैं इससे जुड़ा हूँ तीन साल हो गए को अच्छा हाँ, तीन साल, साल से कर रहे हैं आप। जी बीस साल की उम्र में मैंने भी यहाँ पर शुरू कर दिया था अपने पापा के साथ ही अच्छा अच्छा तो धीरे धीरे मैं भी इसमें सीख रहा हूँ अच्छा और आपको सिखाने लायक हो चुका हूँ जो आपको बता सकता हूँ जी 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 अच्छा कितने एरिया में फार्म है आपका ये जी अपना तीन बीघा के अंदर है अपना फार्म है अच्छा तीन बीघा में फार्म है हाँ जी, हाँ जी देखो हमारे जो जनता है उसको बकरा फार्म जो है बहुत ज्यादा पसंद है हाँ जी। मतलब कुछ अच्छा ही प्यार मिलता है बकरा फार्म को तो एक छोटा सा टूर करेंगे आपके फार्म का ठीक हाँ है और जैसे की त्यौहार नजदीक है हाँ और अभी डिमांड भी है और आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कस्टमर भी आए हुए हैं वहाँ पे दोस्तों कस्टमर है और यहाँ पे गोट्स की पूरी डिमांड है जयपुर में अभी है ना तो ये बताइए अभी आपके पास गोट्स हैं जी हाँ हमारे पास हैं गोड्स हैं अच्छा कौन कौन सी ब्रीड है जी हमारे पास दो ब्रीड है गुजरी अच्छा। जो कि यहाँ के लोकल ब्रीड है और एक सोजत ब्रीड है वाइट कलर के अंदर वाइट कलर में हाँ, जी आ, जैसे अभी कुर्बानी के गोट्स का अभी चल हाँ, रहा है ये लोग भी कुर्बानी गोट्स के लिए आए हाँ, हैं कुर्बानी अभी अवेलेबल आपके केवेलेबल जी, बिल्कुल आप, अपने पास जी। बिल्कुल है। क्या रेट रहता है आपका जी अपने दो रेट रहते हैं जी गुजरी जो है साढ़े चार सौ और सोजत पाँच सौ रुपए किलो के अंदर रहता है तो मतलब अगर भाई किसी को चाहिए जैसे लास्ट मिनट पे किसी को चाहिए होता है गोट तो भी आप प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल करवा देते हैं अपने पास अगर कोई कॉन्टेक्ट होता है तो करवा देते अगर अपने पास खत्म हो जाता तो किसी और से करवा सकते हैं अच्छा अभी हमारे पीछे ऐसे बहुत प्यारे सो जाते हैं हाँ जी ठीक है और ये बकरियाँ भी हैं बकरे भी हैं इनमें बकरे भी तो ये कौन से वाले हैं जी जी इनमें ये हमारा माल है जो बिक चुका है बुकिंग के अंदर माल है ये हमारा आपका बुकिंग पे जाता है हाँ जी बुकिंग के अंदर जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिमांड इस बार इतनी है कि बुकिंग पे जा रहा है माल और मैं आपको बता दूं क्वांटिटी इस फार्म की जो कैपेसिटी है वो हजार बकरों की है तो दोस्तों अभी हम इनके इस सेड में जा रहे हैं और हमारे साथ में विनीत भाई अपना किसान फार्म से अंदर चलते हैं इस सेड के अंदर अच्छा ये बताओ कि ये, ये जो आ, आपके गोट्स हैं इनका वेट क्या होगा अंदाजन अंदाजन जो है ये है 65 टू 75 पैंसठ से पचहत्तर किलो के बीच के अंदर वेट है इनका अच्छा जैसा दो ब्रीड है यहाँ पे पर मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सरोही भी आपके पास में ये वाला गुजरी है हाँ जी, और पीछे वो सरोही लग रहा है मेरे को सरोही हाँ भी है ना इसमें हाँ जी सिरोही जी और सोजत का तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई आप कह रहे थे ना सोरत भी हमारे पास है हमारे पास सोजत जात थे उसके अंदर से हमारे पास सिर्फ तीन बचे हुए हैं सिर्फ तीन बचे हुए हैं तीन बचे हुए हैं है। बाकी सब हमारा सेल हो चुका है सोज की अच्छी डिमांड है जी बिल्कुल सोजत के अंदर सोजत पसंद करते हैं उसका कलर है खूबसूरती है वाइट कलर के अंदर है जी 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 पसंद करते हैं जी जो हमारा बिल्कुल लोट खत्म हो चुका है जो हमारे पास अवेलेबल था अच्छा तो दोस्तों अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गोट अवेलेबल हैं किसी भाई को चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा अच्छा जैसे आपको तीन साल हुए हैं गोड फार्मिंग जुड़े हुए आप युवा हैं इसमें आपको ये धंधा कैसा लगा गोड फार्मिंग ताकि कोई अगर युवा इस काम में रुचि रखता है तो उसे गलत मैसेज न जाए एक अच्छी शुद्ध और सच्ची जानकारी उस तक पहुँचे देखिए इसके अंदर काम के अंदर कोई बुराई नहीं है बिल्कुल बढ़िया काम है बल्कि ये खुद करने वाला काम है अगर आप खुद करोगे आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा उतनी आपको समझ आएगी इस प्रॉफिट के धंधे के बारे में जो भी वर्क है इसका जो भी इसके अंदर आएगा प्रॉफिट आपको पता चलता रहेगा भी आपने कितना कमाया और कितना खर्च करोगे लेकिन जैसा ऐसा होता है कि मैंने हमने भी काफी बड़े फार्म शूट है उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट बताए जाते हैं हालांकि वो होते भी हैं क्योंकि क्वांटिटी का गेम है क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो आप मार्जिन भी अच्छा ले लोगे ये नहीं की आपका दस बकरी आप लाखों रुपए कमा लोगे ऐसा नहीं होता ठीक है तो उन वीडियोज को देख के लोग प्रेरित होते हैं ठीक है की भाई हमें भी करना है लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में लालच भी होता है कि यार मैं भी ना इतना लाखो करोड़ रुपए माऊंगा और वो बेसबरे हो जाते हैं फिर यार आई वॉन्ट टू मेरे को पैसा चाहिए सबसे बड़ी चीज है है सबर, ना एक साल का सबर आपको करना पड़ेगा कम से कम कम से कम जी अगर आपको लॉन्ग टाइम में चाहिए तो कम से कम तीन साल आपको वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए आपको प्रॉफिट आने में तीन साल भी लग सकते हैं अच्छा आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए पेशेंस है तो आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म के अंदर भी कर सकते हैं जैसे अभी मेरे पापा कर रहे हैं बारह साल हमें हो चुके हैं ग्यारह साल जी जैसे आप यहाँ दोनों मॉडल पे कर रहे हैं दोस्तों में आपको पहले दिखा दूँ काफी खूबसूरत गोट है यहाँ पे ये ये गुजरी का गोट है ठीक है और जैसे आपको दो मॉडल पे काम कर रहे हैं आप यहाँ बकरे भी तैयार करते हैं और, है। और बकरियां भी हैं ब्रीडिंग मॉडल भी हैं आपके बच्चे भी हो रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो प्रॉफिट ज्यादा किस में लगा आपको तीन साल से को मैं आपकी राय जानूंगा क्या है भाई तीन साल में अगर आप हम मेरे से पर्सनली पूछोगे तो बकरियों के ऊपर आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा बकरियों में जी बिल्कुल कैसे थोड़ा सा समझाइए इसमें एक दिक्कत होती है अगर आपकी बकरी है आपने छह महीने की बच्ची ली है जी जी ठीक है जी। उसके बाद में छह महीने बाद में वो ब्रीड अपने क्रॉस कराएंगे उसके बाद उसका बच्चा होगा बच्चा अपने पालेंगे एक साल बच्चा पालेंगे उसका दूध भी आएगा जी देख सकते उससे भी अपने को अर्निंग आ जाएगी जी जी हर चीज से अर्निंग आ सकती है इसमें बिल्कुल खाद भी बिकती है खाद अपने आप कर सकते हो आप बेकर खाद

बकरी एक तो आपके पास खड़ी भी है दूध भी दे रही है घर के अंदर आपके दूध भी है बच्चों को पिला सकते हो आप दूध आराम से जी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों मैं वाइड एंगल अपना ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि काफी बड़ा शेड है और ऐसे यहां पे छह सात शेड है इनके पास में जी है ना तो दोस्तों काफी मानो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे अच्छा ये एक दिन बनाया फिर पार्ट बाय पार्ट बनाया आपने ये जब हमने पार्ट बाई पार्ट बनाया एक साथ तो हमने कभी नहीं सोचा था की थीड से की थी हमने साठ बाई एक तो इन्हीं इन्हीं ऐसा तो नहीं की भाई, कुछ ऐसा लोन लेके किया हो बिलकुल निकाला है पैसा और इसी में लगाया है तो दोस्तों एक कामयाब गोट फार्मर की आज हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा इतना लोहा यहाँ पे लगा हुआ है चदरों का है और यहाँ पे शेड आठ है ड्रोन शॉट में आपको दिख रहा होगा इस फार्म उनका साइज और भाई युवा हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है इनसे अच्छा तो कितना इन्वेस्ट हुआ होगा भैया जब आपने ये सब करा है मेरे को तो लगता है अभी आज के टाइम पर करोड़ों की जमीन के साथ करोड़ों की ये जो भी, भी है ठीक है ना अभी आपको इसमें लोहा लंगर में कितना लगा था पैसा आपका अब तक टोटल मतलब दो के अंदर हमने शुरू किया था ये तो अब तक मान लीजिए 2016 तक लास्ट जो हमने शेड तैयार किया था तो दो हजार के अंदर तो तब तक हमारा 25 लाख इन्वेस्ट हो चुका था इसमें अगर हम लगाएं तो 25 लाख शेड के ऊपर है जो इनके रहने की मतलब जहां पर ये रहते हैं उस जगह इन्वेस्टमेंट और लैंड की तो बात ही नहीं करते क्योंकि लैंड काफी महंगी है यहां जयपुर में जी अच्छा अब हम आपके ब्रीड दिखाएंगे लोगों को दोस्तों ये सोजत की ब्रीड है यहाँ पे और काफी खूबसूरत पिंक कलर में आ रहा है इनका और आप यकीन नहीं मानोगे कैमरे के शायद आप इनकी खूबसूरती को जज ना कर पाओ लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ काफ़ी सुंदर यहाँ पे बकरियाँ हैं इनके पास में और ये छोटी पट हैं अभी है ना अपनी ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं ये ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं जी भैया सूरत पर खास ध्यान है इसका मतलब आपका बिल्कुल जी सोच पूरा सफेद आपका पिंक कलर का फार्म हो रखा वो है ना कि यहाँ पर जयपुर के अंदर जो लोकल अभी है सब व्हाइट के ऊपर पसंद कर रहे हैं व्हाइट चाहिए हमें व्हाइट चाहिए जी इस वजह से हमने भी उसके ऊपर ध्यान दिया हाँ। व्हाइट के ऊपर हम खुद तैयार करेंगे बच्चे जी 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 हमारे को लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे सोचते भी हम खुद तैयार करें जी कि हमारे एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया और हम बच्चे भी सप्लाई कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल बिल्कुल अभी इनमें से आप अगर किसी को चाहिए, हो, में बहुत है। जी।, चाहिए हो तो कराएंगे। जी मिल जाएगा अपने पास है जी अपने पास हम लेके आए हैं जिसके अंदर वाइट आखे हैं जी बिल्कुल अच्छा ये आपकी अपनी ब्रीडिंग की माल हम लेके आए खरीद के क्योंकि इतना हमारे पास भी नहीं था हमने और बढ़ाना था इस वजह से हमने 50 परसेंट और माल खरीदा है और इसको हमने और बढ़ाना कर रहे हैं देखो आ, किसी को अगर चाहिए हो तो आप जैसे होता है ना कि वैक्सीनेशन पूरा करके क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मैं यूपी से हूँ यूपी लेके गया मैं बकरी तो वहाँ काफ़ी दिक्कत आती है सी, -सी -पी -पी की जैसे निमोनिया होता है ऐसी बीमारी आ जाती है पी, -पी पे पकड़ लेती है बकरी तो वैक्सीनेटेड होती है आपकी लोट जी बिल्कुल हम हर साल मतलब जो भी हमारे पास नया लौट आता है उसकी वैक्सीनेटेड करते हैं जो भी हमारे पास बच्चे तैयार होते हैं उसकी भी वैक्सीन करते हैं प्रॉपर डे और तारीख लिखते हैं कि किस तारीख को उसकी वैक्सीन की है हमने जो आपने मैं देख रहा हूँ उनके पैरों में भी आपने इनके वो नंबरिंग कर रखी है कर ताकि है। एक आइडिया रहे की भाई ये बकरी इस हिसाब इस से रिकॉर्ड रख रखा है आपने इसके अंदर भी ये होता है की अपने देखते हैं कौन सी बच्ची हमारे घर की है और कौन हमने से हमने बाहर से लिए उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर क्या नहीं है जी जो हम पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं उसके अपने अपने रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं उसको कौन सी तारीख को अपने वैक्सीन की थी कौन सी कर दी कौन सी रह गई और किस मतलब उसने बच्चे पैदा किए थे और कितने बच्चे उसके हैं और अपने सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं बेनिफिट रहता है कि अपने हर तरीके से उसको देख सकते हैं अगर उसके अंदर मतलब कुछ दिक्कत आ रही है अपने उसके अंदर पता कर सकते हैं भी इस नंबर की बकरी है जो उसके अंदर दिक्कत आ रही है जी जी अपने उसको कुछ भी उसका इलाज करना होगा अपने कर सकते हैं जी अब थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे क्या अभी जैसे तेईस साल है क्या किया है आपने एजुकेशन में जी मैंने अभी ट्वेल्थ कर रखी है और मेरी बी चल रही है बी चल रही है अब बी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी का हाथ बैठा रहे हैं यहाँ पे जी अच्छा अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ ठीक है तो प्रॉफिट कैसा रहता है गोट फार्मिंग में ये बता दीजिए और देखो सच बताना है क्योंकि मैंने वो बात बोलते युवा है हम हमें सच का साथ देना हमेशा सच का साथ देंगे बिल्कुल जी है अगर आप अपनी मेहनत के ऊपर करते हो जी ठीक है जी अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो जी तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा लास्ट ईयर की सेल थी जो 50 लाख थी उसके अंदर से हमारे पास करीब करीब 20 परसेंट पच्चीस परसेंट हमने प्रॉफिट जनरेट किया था अच्छा तो उसमें इतना ही मार्जिन है जी इतना ही आता है अगर आप उसको और बढ़ाओगे उसके अंदर आपको प्रॉफिट और भी अच्छा आ जाएगा जी तो करीबन कितना माने हम अगर हम शुद्ध प्रॉफिट की बात करें करीब करीब 10 से 12 लाख के आसपास आप मान आपने लास्ट ईयर कमाए थे यहाँ जी बिल्कुल जी जी और इस साल कैसे चल रहा है सीजन चल रहा है वैसे भी ये अभी तो काफ़ी चल रहा है अभी जैसे आप देखोगे तो पीछे आपके ग्राहक और आ रहे हैं अच्छा दोस्तों ग्राहक आ रहे हैं सही कह रहे हैं ये और अच्छी बात है ये सीजन है अभी सीजन इसी टाइम है।, है और ये नज दिन है जो हमारी कमाई के होते हैं के अंदर हमारा दिन रात एक हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी जैसे हमारे फार्मर भाई जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज जी बिल्कुल है बहुत बढ़िया मैसेज बताऊंगा आपको उम्र नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताने का चाहता हूँ जी जी भाई हर काम में आप देखोगे अपने नज़र के अंदर कोई छोटा बड़ा मत रखो हर काम एक जैसा होता है जी जी अभी मैं भी कर रहा हूँ मैं अपने पापा के साथ अपना हाथ बटा रहा हूँ उनके साथ कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ सारा कुछ कर रहा हूँ जी जी तो आप देखिए क्या अपने ही जो अपनी नई पीढ़ी है दो यार दो हजार के बाद की जो पीढ़ी है अपने ही अपने ग्रोथ करनी है इंडिया के अंदर ग्रोथ बढ़ानी है सारा बिल्कुल बिल्कुल करनी है सारा कुछ करना है जी तो अपने ऊपर ही डिपेंड है सारा कुछ हम भारत देश के युवा है हम मेहनत करने से कभी कतराते नहीं है और हमारे को ही आगे इस देश को आगे बढ़ाना है तो भाई जैसे भाई ने लास्ट की एक बात बोली कि हम भारत देश के युवा हैं और हम मेहनत से निडरते बिल्कुल सच्चाई बात बोली है इन्होंने भाई के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं अगले साल जब मैं इनके फार्म पे आऊँ तो यहाँ पर क्या कहते हैं दिन छोगनी रात मतलब तरक्की हो और काफ़ी अच्छा है इन्होंने अपने बारे में बताया मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको पसंद तो जरूर आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना है शेयर कर देना अपने भाइयों में और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद